In this video, we has discussed about the topic right to equality, mainly Article 14 of Indian Constitution. In this topic, we have discussed about meaning Article 14, right equality before law and equal protection of law, rule of law, also known as DICES concept, and Article 14 prohibit class legislation but permit reasonable classification, and Article 14 exceptions, some exceptions, and two important case law, that is Ramkrishna Dalmia versus Justice S.R. Tendulkar and Air India versus Nargis Mirza. And so start the video. Article 14, right to equality means everyone must be equal in the eyes of law, irrespective of their caste, sex, race, religion, place of birth. ये पांचों जो पॉइंट है इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते हैं. और जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 टू 18 है इसके बीच में ही दिया गया. आर्टिकल 14 बताता है जनरल एप्लीकेशन के बारे में एंड 15 टू 18 बताता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 स्टेट दैट स्टेट सेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विथ इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया. मीन्स एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जो रहता है इंडिया के टेरिटोरी के अंदर इज इक्वल बिफोर लॉ, वो इक्वल है लॉ के सामने, एंड इक्वल प्रोटेक्शन सेल बी रेंडर टू देम, और इक्वल प्रोटेक्शन सभी को देना भी है. द वर्ड पर्सन, ये जो डेफिनेशन दिया गया है इसमें पर्सन का मतलब क्या कहा गया है? पर्सन नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल, इसमें कोई इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताया है. इट ऑल्सो इंक्लूड स्टेटवरी कॉरपोरेशन, कोई कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन. अंडरस्टैंड? एंड आर्टिकल 14 कंसिस्ट टू फ्रेज, दैट इज इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आपको डिफाइन किया गया 14 क्लॉज 1 में, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिफाइन किया गया 14 क्लॉज 2 में. इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स ऑल पीपल इज ट्रीटेड इन द आइज ऑफ लॉ, ईच पीपल है वो इक्वल है आइज ऑफ लॉ में, लॉ के नज़र में सब पीपल इक्वल है. बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में स्पेशल बेनिफिट शैल बी गिवन By the state के द्वारा special benefit दिया जाता है under special privilege category, that is woman, child. इसको एक चीज़ और कहते हैं, like should be treated as like, जो जैसा है उसको उसी तरह treat किया जाए. And then we are, अब आते हैं rule of law, जिसको DICES concept भी बोलते हैं. Equality before law based on DICES concept. इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था डाइसिस के द्वारा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. आर्टिकल 14 प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन एंड परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है आइए देखते हैं. प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? पार्टिकुलर प्रिविलेज अपॉन अ क्लास ऑफ पर्सन, कुछ एक क्लास ऑफ पर्सन को चुना जाता है और उसको प्रिविलेज दिया जाता है. ये आर्बिट्री अपने से चुना जाता है और क्रिएट इम्प्रॉपर डिस्टिंक्शन, इक्वल
इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया जाता है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट में आता है। बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन शुड बी फुलफिल बाई टू टेस्ट। अगर टू टेस्ट, ये दोनों जो टेस्ट है इसको फुलफिल करता है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आता है, जो कि हुआ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड नेक्सस विथ ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। एक्सेप्शन क्या है, रूल ऑफ लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन, आर्टिकल 361 स्पेशल प्रिविलेज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जो प्रेसिडेंट हम लोग एक कंट्री के होते हैं और गवर्नर ऑफ ईच स्टेट होते हैं, उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। फॉरेन डिप्लोमेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है, जज एंड पुलिस ऑफिसर को, ट्रेड यूनियन को, एंड सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन दैट इज आर्म्ड फोर्स, मिलिट्री, लॉ एसेट्रा। एंड टू इम्पॉर्टेंट केसेस आर दैट इज राम कृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस एस आर तेंदुलकर। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 14 फॉर वाइट क्लास लेजिस्लेशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही दिया गया था कि आर्टिकल 14 फॉर वाइट क्लास लेजिस्लेशन इन दिस केस। एंड सेकेंड केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, इसमें क्या हुआ था, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एयर होस्टेज। एयर होस्टेज को सर्विस से निकाल देना, कब, जब वो 35 ईयर की हो, अगर वो मैरिज कर ली हो 4 साल के अंदर, और उनके फर्स्ट प्रेगनेंसी पर। डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16। ये जो केस था, ये केस में डिस्क्रिमिनेट एयर होस्टेस को किया जा रहा था, जो कि वायलेट उनका आर्टिकल, वायलेशन हो रहा था आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।